नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जनगणना की विभाजक वर्ष, क्योंकि इसके पहले हमने क्या जान लिया, जो नॉन वर्किंग महिलाएं होती हैं वहां पर उनकी बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि अगर वर्किंग नहीं होती है तो वो एक ऐसा देखा गया फिल्म में, वो बेबीज उनके ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वर्किंग जो महिला होती है उसके पास समय कम होता है, क्योंकि उसे घर भी मैनेज करना है और ऑफिस भी मैनेज करना होता है, इसलिए बच्चों की संख्या को हमेशा कम करने की कोशिश ही हमेशा करती पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा जननांकी विभाजक वर्ष। अब जननांकी विभाजक वर्ष क्या है, 1921 है, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है 1921 का, इसको जननांकी डेमोग्राफिक डिवाइडेड 9 कहा जाता है। क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि 1911 में क्या हो गया था, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है माइनस में चली गई थी, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव ग्रोथ 1911 में हुई थी, इसीलिए जब 1921 में आया और ग्रोथ निगेटिव हुई क्यों थी, क्योंकि उस समय प्लेग जैसी बीमारियां फैली हुई थी, तमाम जगह पर ड्रॉट, कई जगह फ्लड, ऐसी कंडीशन आ गई थी, इसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत सारी जनता हमारी उसमें नष्ट हो गई थी, बहुत सारी जनता की डेथ हो गई थी, इसलिए उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर जब 10 साल बाद आया, एक डिकेड जब कंप्लीट हो गया, तो 1921 में हमने पाया कि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, ठीक, इसीलिए इसको जननांकी यानी डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्तमान में हमारी जो जन्म दर और मृत्यु दर है दोनों क्या हो रही है, प्रेजेंट सिचुएशन में, इन प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंटली जो जन्म दर है वह मृत्यु दर है वो उसका क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है या स्टेबल है, तो क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों गिर रही है, ठीक है, दोनों का डाउनफॉल हो रहा है, याद रखिएगा, अगर कहीं भी स्टेटमेंट में दे देता है तो याद रखिए इस समय भारत की जनता एवं मृत्यु दर दोनों घटती जा रही है। नेक्स्ट हमारा जनसंख्या के एक मैं आपको एक पिरामिड बताता हूं, वो पिरामिड आलेख करता क्या है, जो ये पिरामिड है, ठीक, पिरामिड आलेख जो मैंने बनाया है यहां पर, ये क्या शो करता है आपको, ये क्या शो करता है, तो जब पिरामिड आलेख की बात की जाती है तो ये क्या करता है, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को, जनसंख्या के आयु और लिंग संगठन को, आयु और सेक्स जो जेंडर होता है उसके बेसिस को क्या करता है, ये निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है, ठीक है, इस प्रकार से ये डिवाइड की जाती है, जैसे यहां पर सपोज ये 0 से 14 वर्ष, 15 से 60 वर्ष और मोर देन 60 या 65, तो इसको यहाँ पर 64 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 साल 0 से 14 वर्ष के बच्चे हो गए, इसी में मेल फीमेल हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा, यहाँ पर 15 से 64 साल के हुए या 65 साल हो गए, तो ये जो आलेख है, ये पिरामिड जो बना हुआ है, ये पिरामिड एक्चुअली में आयु और लिंग के संगठन को निरूपित करता है। नेक्स्ट मैं आपको अवस्थाएं बताता हूं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे फर्स्ट जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था, जननांकीय संक्रमण की फर्स्ट स्टेज, ठीक,
ऐसे ही सेकंड स्टेज, ऐसे ही थर्ड, ठीक है, और फोर्थ। तो जननांगीय संक्रमण की पहली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, मृत्यु दर और जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, ठीक, दोनों यहां पर ज्यादा होती है। यहां पर मृत्यु दर का ह्रास होता है, ह्रास, और जन्म दर जो होती है वो उच्च बनी रहती है, ठीक है। सेकंड वाले में मृत्यु दर तो घटने लगती है बट जन्म दर जो है वो उच्च बनी रहती है, ठीक है। थर्ड स्टेज में यहां पर निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर दोनों कंडीशन यहां पर थर्ड स्टेज में आ जाती है। और जो फोर्थ स्टेज होती है यहां पर क्या होती है, जनसंख्या, जो जनसंख्या होती है वो स्थिर होने लगती है, स्थिरी, स्थिर, स्थिरीकरण की तरफ मूव हो जाती है। ठीक है, ये हमारे स्टेजेस होंगे, जननांगीय संक्रमण की स्टेजेस होगी। फर्स्ट स्टेज में उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर होता है, दोनों हाई होती है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सेकंड स्टेज में क्या होता है, डेथ रेट जो होती है मिनिमाइज घटने लगती है, और बट एट द सेम टाइम जो बर्थ रेट है वो मैक्सिमम बनी रहती है। थर्ड स्टेज में क्या होती है, दोनों का क्या होता है, डाउनफॉल चालू हो जाता है, बर्थ रेट का भी डाउनफॉल और डेथ रेट का भी डाउनफॉल। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जनसंख्या स्थिरीकरण की दशा में आती है, जहां पर क्या होता है, स्थिर होने लगती है। एक पॉइंट बताइए, जनसंख्या या जनसंख्यीय बोनस, जनसंख्यीय बोनस ये क्या होता है भाई, पॉपुलेशन बोनस क्या होता है? पॉपुलेशन बोनस उस जनसंख्या को कहते हैं जो उत्पादनकारी आय से समूह में वृद्धि करे, जो उत्पादनकारी प्रोडक्टिव आयु समूह में वृद्धि करे, ये जनसंख्या बोनस कहलाता है, ठीक। अगर पॉपुलेशन बोनस, पॉपुलेशन बोनस की बात की जाए तो दो पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन या जनसंख्या जिसमें उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि हो जाए, उत्पादनकारी प्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है उसमें वृद्धि हो जाए, उसे ही जनसंख्या बोनस कहते हैं। नेक्स्ट है, इस बार जो 2011 का सेंसस आया था वो क्या था, उसका स्लोगन था एक, क्या था, एक्सटेंडेड डी फैक्टो। किस मेथड का उपयोग किया गया था इसमें, मेथड यूज्ड क्या, एक्सटेंडेड डी फैक्टो, इसे हम लोग सिंक्रोनस भी कहते हैं, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सटेंडेड डी फैक्टो मेथड का उपयोग हमने इस बार 2011 के सेंसस में किया था, ठीक है। ये पूछ सकता है अगर आपसे कि भाई विच मेथड हैज बीन यूज्ड इन दिस 2011 सेंसस,
that time your answer will be extended de facto means synchronous method has been used in the census 2011. Fine. Next. इस बार जो नेशनल पॉपुलेशन यानी नेशनल सेंसस जो पॉलिसी थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वो क्या था 10 ईयर के एक कार्य योजना पे काम कर रही थी. ठीक है, एक डिकेड 10 साल के कार्य योजना पे काम कर रही थी. इसके अहम पॉइंट क्या थे जो जिस मेथड पे काम कर रही थी उसके अहम पॉइंट क्या थे, मेन रीजंस क्या थे, मेन पॉइंट क्या थे इसके. फर्स्ट नोट कर लीजिए, निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा. ठीक है, निशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन. फ्री एंड कंपल्सरी नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, रजिस्ट्रेशन ऑफ यानी कि पंजीकरण किसका, मैरिज का एंड इसके साथ में क्या प्रेगनेंसी का भी. ठीक है, गर्भधारण का ये एक और पॉइंट था इसमें जिसमें क्या था, ऐसे मेल को अवार्ड करना था, अवार्ड गिवन टू दोज मेल, इसको मेन कहेंगे हम, ऐसे आदमियों को, ऐसे पुरुषों को क्या करना था, अवार्ड देना था जो क्या करने वाले थे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग करने वाले हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा, परिवार नियोजन करेंगे जो लोग, ठीक है, उनको भी अवार्ड दिया जाएगा. ऐसी चीजें इसके नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर शामिल की गई थी. ठीक है, नेक्स्ट, इस बार जो जनगणना तो 2011 जो की गई थी, 2011 की जो सेंसस थी जो की गई थी, इसमें इस बार जो जब काउंटिंग की जा रही थी उसमें हाउस होल्ड की भी काउंटिंग की गई थी. ठीक है, तो इसमें एक हाउस लिस्टीकरण जिसको कहते हैं गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना, गृह सूचीकरण एवं आवासी, जिसको कहते हैं गृह सूचीकरण एवं आवासीय परिसर की गणना, ठीक है. अब देखिए, जब ये एक गृह सूचीकरण और आवासीय परिसर की गणना की गई थी तो इसमें प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे गए थे, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ऑफ हाउसेस एंड देयर प्रीमाइसेस. दैट टाइम 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने, 35 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे. नेक्स्ट,
डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर जनसंख्यीय लाभांश, जनसंख्यीय लाभांश। किसे कहते हैं भाई बताइए, जनसंख्यीय लाभांश किसे कहते हैं? जब आप जानिए, जब 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष आयु के व्यक्ति क्या करते हैं, अधिक होती है, जब 15 to 64 ईयर के जो व्यक्ति संख्या में अधिक होते हैं, इसे जनसंख्यीय लाभांश कहते हैं, क्योंकि ये वर्किंग होती है, वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है, वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। यही वर्किंग पॉपुलेशन की वजह से इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनसंख्यीय लाभांश भी से कहा जाता है। एक चीज और इसमें है, अगर इसका पूर्ण लाभ लेना है, फुल प्रॉफिट लेना है, पूर्ण लाभ, फुल प्रॉफिट लेना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? सपोज कीजिए हमारे देश में भी क्या है, 15 से 64 वर्ष की आयु के बहुत सारे लोग हैं, खास करके 25 साल से कम, मैं यहां पे एक पॉइंट लिख दूं, 25 साल से, भारत की बात करते हैं, आप मैंने देखी भारत में लेस देन 25 ईयर के जो पॉपुलेशन है लगभग 51% के आसपास आती है, ठीक है। अब बताइए, लेकिन हम लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तब क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कारण क्या है? स्किल, मेन चीज क्या है? स्किल। अगर यही जो पॉपुलेशन है स्किल्ड कर दी जाए तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त होगा, ठीक है। इफ आर पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इज स्किल्ड एट दैट टाइम दे विल गिव मैक्सिमम डेमोग्राफिक डिविडेंड टू आर एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। इट मीन्स दे विल प्रोड्यूस मच विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ नेशन। तो हमारे देश में कमी किसकी है? स्किल की। अगर स्किल दे दिया जाए तो हम लोग भी क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा जो रूरल एरिया है, हमारा रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल यानी कि ग्रामीण, यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि शिक्षा का स्तर नीचा है। एक तो पहली पॉइंट, शिक्षा का स्तर नीचा है, और दूसरा क्या है, यहां पर भारत में जो एक नगरीय गरीबी है, भारत में जो नगरीय गरीबी है, नगरीय गरीबी जो है वो खास करके जो उसकी जड़ें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय गरीबी की जड़ें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। कारण क्या है? शिक्षा का स्तर निचला होना। और एक पॉइंट मैं यहां और ऐड कर रहा हूं, स्किल ना होना, ठीक है, या अनस्किल्ड होना, अनस्किल्ड होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम लोग, कुछ बात करते हैं लिंगानुपात की। मैं इसको रब करना पड़ेगा, चलिए लिंगानुपात। यहां पर लिंगा
बात हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विगत के डिबेट से। जैसे कि एक तो मैं इतना लिखता हूं जनगणना वर्ष सेंसस ईयर, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे उसी तरफ कितना लिंगानुपात जेंडर रेशियो सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले 1951 की, फिर 1961 की, 1971 की, 1981 की, 1991 की, 2001 और 2011, ये वर्षों की हम लोग क्या करेंगे जो जेंडर इन रेशियो है उसे देखते हैं। तो 51 में कितना था, 946 93, यानी कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहां से, 1951 से। और जब 1951 की जब बात की गई तो उसमें हमने देखा उस साल 946 थी, फिर घट करके 930 हो गई, फिर घट करके 927 हो गई। देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया, लगातार देखिए यहां डाउन हो रहा है, यहां डाउन हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम आपसे पूछ लिया जाए, इसी तीन में ही पूछ लिया जाए कि एक 51 से 71 तक लगातार घटती रही या घटी भी बढ़ी, ऐसा अगर पूछ लिया जाए तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो क्या हो गया, 51 में 946 थी, 61 में 941 941 हो गई, 71 में क्या हो गया, 930 हो गई, 930 हो गया। उसके बाद 1981 में क्या हो गया, 934 हो गई। देखिए यहां पर थोड़ी बढ़ गई कंपेरेटिवली। फिर 1991 में क्या हो गया, 927 हो गई। फिर 1933 होगी, देखिए फिर बढ़ गया। फिर अगर हम लोग 2011 की बात करें तो कितना हो गया है, इस समय तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए 943 हो गई। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 46 में और 2011 के कंपेरिजन कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं 951 के बाद 943 सबसे ज्यादा रही है। इसके बीच में 1951 से के भी बाद 1961 71 81 91 2001 तक क्या हो गया है, घटती रही है और कहीं कहीं बढ़ती रही है। ये देखिए दो बार घटा है, यहां पर बढ़ा है, यहां पर घटा है, यहां पर बढ़ा है, ठीक है। इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा, 51 में 946 61 में 41 घट गई, 71 में और घट के 1930 पे आ गई, फिर 81 में 34 पे आ गई और फिर 2001 में 933 पर आ गई। तो ये हो गया हमारा ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि के सेक्शन, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, शून्य जनसंख्या वृद्धि। जब शून्य जनसंख्या वृद्धि की बात की जाती है तो क्या कहलाता है, यदि जन्म और मृत्यु दर समान हो जाए, जन्म एवं मृत्यु दर क्या हो जाए, समान हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक, और उसमें क्या हो जाए, अंतः या बाह्य प्रजनन ना हो, साथ में प्लस अंतः प्लस बाह्य प्रजनन
ना हो तो वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे क्या होगा, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसे ही क्या कहेंगे, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या है, एक बार फिर समझते हैं इसको। वेल डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर इक्वल एट द सेम टाइम, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ इनर एंड एक्सटर्नल प्रेगनेंसी या जो उसको रिप्रोडक्शन। इट मींस देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। तब इसे कहेंगे कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक, ये हो गया हमारा शून्य जनसंख्या व्यक्ति। ठीक है,